ए रैंक हंटर एपिसोड 31 से लेकर 32 तक। हाँ, सभी अपराधी सी रैंक के हैं, लेकिन मॉनिटरिंग डिवीजन का हंटर वास्तव में बी रैंक का है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। किम सांग सिक ने अपना सिर हिलाया। लोकप्रिय राय ये थी कि बी रैंक वाले एक शिकारी से मुकाबला करने के लिए आपको लगभग 10 सी रैंक वाले शिकारियों की आवश्यकता होगी। खैर, एक बी रैंक व्यक्तिगत रूप से उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए आ रहा था। छापे में भाग लेने की बात तो दूर रही, इसलिए यहाँ नहीं कहने का कोई कारण नहीं था। एक रैंक बी और 3 रैंक सी। हम वीर ने अपना सिर थोड़ा झुकाने से पहले चुपचाप मॉनिटरिंग डिवीजन के एजेंट के साथ साथ तीनों प्रतिस्थापन दोषियों के चेहरों का अध्ययन किया। यहाँ कुछ गड़बड़ है, वह उन चारों के बीच हत्या की मंशा का सूक्ष्म संकेत महसूस कर सकता था। क्या ये भी बढ़ी हुई अनुभूति क्षमता का एक पहलू था, या फिर वह बस बहुत ज्यादा सतर्क था? किसी भी हालत में वह अचानक ही इस कारण चिंता से ग्रस्त हो गया। तो वीर ने रूही के कान में फुसफुसाया, मिस रूही, कृपया इस छापे में भाग न लें। रूही ने वीर की आंखों में देखा और वापस पूछा, आपका क्या कहना है मिस्टर वीर? उसका उत्तर देने के बजाय उसने भी पलट कर पूछा, अगर मैं कहूँ कि मैं जाऊँगा, ठीक है, उस स्थिति में मैं भी जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि वह चाहे जो भी हो उसका पीछा करेगी। मुझे यकीन है कि वह ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उसे मेरी चिंता है, और उसने अपने पूर्व अनुभव से यह जान लिया था कि जब भी रूही के चेहरे पर यह भाव आता था, वह अचानक एक बहुत जिद्दी युवती बन जाती थी और चाहे कुछ भी हो जाए वह कभी अपना मन नहीं बदलती थी। मेरे आसपास रहने से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? आखिरकार उसे हवांग डोंग सियोक के गिरोह से निपटने का अनुभव था जिसमें 5 रैंक्सी शामिल थे। वीर ने अपना सिर हिलाया, ऐसी स्थिति में ठीक है। मॉनिटरिंग डिवीजन के एजेंट ने सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का काम पूरा किया और फिर एकत्रित शिकारियों से बात करने के लिए आए। मेरा नाम कांग ताइसिक है, मैं मॉनिटरिंग डिवीजन से हूँ। मुझे लगता है कि आपको स्थिति के बारे में जानकारी दे दी गई होगी। मैं उन तीनों पर कड़ी नजर रखूंगा ताकि आप निश्चिंत रहें। फिर कांग ताइसिक ने तीनों दोषियों को पास आने का इशारा किया। वे सभी उसके पास आए और अपने हाथ आगे बढ़ाए। अपने अभ्यासी हाथ से कांग ताइसिक ने तेजी से उनकी हथकड़ियां खोल दी। वाह, मुझे लगा कि मैं अभी इस घुटन से मर जाऊंगा। हम तो गुलाम भी नहीं हैं, तो क्या ये हमारे अधिकारों के खिलाफ नहीं है कि आप हमें इस तरह यहाँ वहाँ घसीटते फिरें? दोषियों ने अपनी मुक्त कलाइयों को सहलाया और अपनी शिकायतें जारी रखीं। कांग ताइसिक ने उनकी पूरी तरह से उपेक्षा की और अपनी नजरें पुनः हंटर्स पर घुमा ली। आज नेतृत्व कौन करेगा? सोंग ची योल, जो पहले भी छापे मार चुका था, ने अपना हाथ लगभग आधा ऊपर उठाया। कांग ताइसिक ने अपना सिर हिलाया, समझा। सोंग ची योल के नेतृत्व में शिकारी एक एक करके गेट में प्रवेश कर गए। चलो हम भी चलें। वीर और रूही भी एक ही समय पर गेट में दाखिल हुए। शायद पिछली घटना का आघात उसके साथ बना रहा क्योंकि उसने वीर की आस्तीन को हल्के से पकड़ रखा था। इस कालकोठरी के मुख्य दुश्मन भूत थे। वे सभी मानव प्रकार के राक्षसों में सबसे कमजोर थे, इसलिए कालकोठरी को साफ करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ये अजीब दिखने वाले जीव इतने कमजोर थे कि वीर को अपनी शक्ति बढ़ाने से पहले ही उनसे एक एक करके लड़ना पड़ता। फिर भी वीर ने अपने नंगे हाथों से सावधानीपूर्वक गॉब्लिन का शिकार करने की पूरी कोशिश की। जब वीर ने अपनी कल्पना से भी परे युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया तो रूही और सोंग ची योल दोनों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। बहुत खूब, वह अपनी असली ताकत को छिपा रहा था, फिर भी हर लड़ाई का नतीजा पिछली लड़ाई से काफी अलग था। रूही उसके पास गई और उससे सावधानीपूर्वक पूछा, क्या आप हाल ही में व्यायाम कर रहे हैं? खैर, मैं हर दिन जॉगिंग करता रहा हूँ। धीमी दौड़, रूही ने अपना सिर झुकाया, लेकिन खैर वह तकनीकी रूप से यहाँ झूठ नहीं बोल रहा था, इसलिए। लेकिन इन सब के अलावा मैं यहाँ कोई अनुभव अंक नहीं कमा रहा हूँ। दुश्मन का लेवल बहुत कम है और आपके अनुभव अंक नहीं बढ़े हैं। कगाहक, दुश्मन का लेवल बहुत कम है और आपके अनुभव अंक नहीं बढ़े हैं। वीर के चेहरे पर निराशा के भाव उभरे। गोब्लिन के बहुत कमजोर होने और उसे कोई अनुभव अंक न मिलने का संदेश बार बार दोहराया जाता रहा। ये काम नहीं करेगा। इसके अलावा गोब्लिन्स के जादुई क्रिस्टल भी सबसे घटिया दर्जे के थे। वीर ने अपने चारों ओर नजर डाली। सी रैंक वाले अपराधी स्वतंत्रता के स्वाद से सचमुच बहुत उत्साहित रहे होंगे क्योंकि वे अपने हथियारों को बेतहाशा घुमा रहे थे और पूरी ऊर्जा के साथ गोब्लिन्स को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। ककी है केक के हक, केवल उस दृश्य से यह बताना कठिन था कि वहां राक्षस कौन थे और मनुष्य कौन थे। मुझे लगता है कि आज मेरे लिए पसीना बहाने की कोई वजह नहीं है। खैर, आज वह कोई अनुभव अंक नहीं कमा रहा था, न ही वह बहुत सारा पैसा कमा रहा था। उसके दिमाग में एक खास विचार आया, अगर अब से यही हाल रहेगा तो क्या एसोसिएशन छोड़ देना बेहतर नहीं होगा? एसोसिएशन के सामने आने वाली अधिकांश नौकरियां डी और ई रैंक वाले गेट्स को पार करने की थीं। हालांकि
यदि उनका लेवल उन प्रकार के गेट्स में प्रवेश करने से नहीं बढ़ने वाला था तो एसोसिएशन के छापों में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब मैं माँ की अस्पताल की फीस भी आसानी से अकेले ही जुटा सकता हूँ। वह जब चाहें एसोसिएशन छोड़ सकते हैं। यही कारण था कि पैसा होना हमेशा अच्छा होता था। जैसे ही उसके पास कुछ पैसे आए, उसके पास चुनने के लिए विकल्प बढ़ गए। इधर उधर सोचते हुए छापा मारने वाली टीम तहखाने में और अंदर चली गई। ओह ममम, और जल्द ही तीन रास्तों वाली एक दो भागों वाली सड़क उनके सामने आ गई। कांगताई सिक ने सोंग चियोल को एक सुझाव दिया। चूंकि कालकोठरी की कठिनाई कम है तो यहाँ से आगे अलग होने के बारे में क्या ख्याल है? हाँ चलो ऐसा करते हैं, सोंग चियोल ने इस विचार पर तुरंत सहमति जताई। वीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी अनुभूति को अधिकतम सीमा तक बढ़ा दिया। अब कौन सा रास्ता बॉस तक जाता है? वह उम्मीद कर रहा था कि शायद बॉस उसे कम से कम कुछ अनुभव अंक दे देगा। जल्द ही वह कालकोठरी के अंदर सभी जीवित प्राणियों की आभा को पहचान सका। वीर ने अपनी आंखें खोली और सोंग चियोल से बात की। आहजुसी, चलो बाएं चलते हैं। ठीक है वीर, सोंग चियोल और रूही ने बायां रास्ता चुना, कांगताईसिक और तीन दोषियों ने दायां रास्ता चुना तथा शेष दो ने बीच वाला रास्ता चुना। वीर का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। बॉस इस मार्ग के अंत में है। यद्यपि इसे शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता, फिर भी इस गुफानुमा मार्ग के अंत से एक अनोखी और भिन्न आभा निकल रही थी। वह जल्दी से बॉस को मारना चाहता था। हालांकि हर दो कदम पर गोबलिनों के समूह उन पर कूद पड़ते थे और इससे उनकी प्रगति में बाधा उत्पन्न होती थी। केक केक केक, कीरिक कीक, और इस बार उनकी संख्या लगभग 10 थी। एक के हाथ में लकड़ी का डंडा था, एक के हाथ में लकड़ी की तलवार थी, एक के हाथ में लकड़ी का लंबा डंडा था जिसके सिरे पर पत्थर का एक टुकड़ा बंधा हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी क्षमता से हथियारबंद होकर काम किया था, लेकिन उनमें से कोई भी उसे धमकाने में कामयाब नहीं हुआ। क्या तुम लोगों को अभी भी काफी नहीं हुआ? वीर ने बहुत गहरी भौहें सिकुड़ी। ये बहुत बड़ी परेशानी थी, ये कमीने जो किसी काम के नहीं थे, फिर भी इस तरह बड़े समूहों में घूम रहे थे। इस बार 10 हैं, हमें क्या करना चाहिए? अहजुसी, क्या हमें दूसरों को ढूंढने के बाद वापस आना चाहिए? हालांकि वीर के दो साथी अपनी वर्तमान स्थिति को लेकर काफी उदास हो रहे थे। फिर भी यहाँ केवल गॉब्लिन है, इसलिए शायद हमें पहले उनसे लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, सोंग चियोल की उंगलियों के अग्रभाग पर ज्वालाएं उत्पन्न हो गईं, जबकि रूही भी अपना उपचारात्मक जादू डालने के लिए तैयार हो गई। इस बीच वीर अपने सिर के पीछे खुजला रहा था। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो मुझे बिल्कुल भी घबराहट महसूस नहीं हो रही है, भले ही मैं एक कालकोठरी के अंदर हूं। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था? अब जाकर उसे अपने अंदर आए बदलावों का एहसास हुआ। सोंग चियोल ने वीर से पूछा, मिस्टर सियोंग, क्या आप तैयार हैं? ओह हाँ, मैं हूँ। वीर ने अपने बाकी साथियों के साथ समय का मिलान किया और धीरे धीरे प्रत्येक गॉब्लिन का शिकार किया। और इस प्रकार जैसे जैसे वे लगातार कालकोठरी को साफ करते गए, अचानक कहीं से एक के बाद एक चीखें पूरे तहखाने में गूंजने लगी। ओह वाहक, वे गॉब्लिन्स के नहीं थे। नहीं, वे निश्चित रूप से मनुष्यों के थे। वीर, सोंग चियोल और यी रूही ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि मामला शांत हो गया है, लेकिन तभी एक और हताश चीख उनके कानों में पड़ी। सोंग चियोल की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। चलो चलकर देखें, वे तीनों तेजी से उस ओर दौड़े जहां से चीखें आ रही थीं। वीर अपने दो साथियों से अधिक तेज दौड़ सकता था, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए उसने उनकी गति बराबर कर दी। डॉट, उन्हें कितनी देर तक भागना पड़ा? रूही एक व्यक्ति को पाकर घबराकर चिल्ला उठी। वहां एक व्यक्ति है, और संयोग से वह मॉनिटरिंग डिवीजन का हंटर था, कांगताईसिक। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, पूरी तरह खून से लथपथ। कांगताईसिक ने उन पर चिल्लाकर कहा, सावधान रहो, मुझे नहीं पता कि वे इस समय कहाँ होंगे। कांगताईसिक ने बड़ी मुश्किल से ये शब्द कहे और फिर दर्द से जमीन पर गिर पड़े। एवहेउक, रूही अब और नहीं देख सकी और जल्दी से कांगताईसिक की ओर दौड़ी। रुको, मैं अभी तुम्हें ठीक कर दूंगा, रूही ऐसा सोच रही थी। चाहे दुश्मन कहीं भी छिपे हों, वह अभी भी बी रैंक वाली हील थी, मतलब उसके उपचार जादू की गति बहुत तेज थी। इसलिए उसने सोचा कि दुश्मनों के उन पर हमला करने से पहले कांगताईसिक को जल्दी से ठीक करना उसके लिए अधिक फायदेमंद होगा। कृपया थोड़ी देर और रुकें। रूही कांगताईसिक के सामने खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। प्रकाश की कोमल किरणें उसके हाथों के सिरों के पास इकट्ठी हो गईं। ये तभी हुआ, कांगताईसिक ने तेजी से अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाया और जादुई ऊर्जा से भरे अपने हाथ से रूही की गर्दन के बीच पर निशाना साधा। स्विश, इससे पहले कि उसकी उंगली रूही के सिर को छू पाती, किसी ने समय रहते कांगताईसिक की कलाई पकड़ ली। स्नैप, आह, स्तब्ध रूही पीछे की ओर लड़खड़ा गई और पीठ के बल गिर पड़ी। प्लॉप, कांगताईसिक के चेहरे पर आश्चर्य और हैरानी का भाव था। उसने इतने कम समय में मेरा हमला रोक दिया।
उच्च रैंक वाले शिकारी के लिए कुछ निम्न रैंक वाले शिकारियों से निपटना कोई कठिन काम नहीं था। आज उसके लिए एकमात्र कांटा एक महिला शिकारी थी जो बी रैंक की थी, जो उसी रैंक की थी। इस कांटे के बारे में अच्छी बात यह थी कि वह युद्ध से संबंधित शिकारी नहीं थी। उसके पास खुद को बचाने की कोई क्षमता नहीं थी, इसलिए जब तक वह उस पर छिपकर हमला करने में सफल रहा तब तक सब कुछ आसानी से खत्म हो जाएगा। हालांकि सोचिए, उसका छिपकर किया गया हमला असफल हो जाएगा। इस तरह की चीजों के साथ उनके द्वारा किए गए शानदार अभिनय का कोई पुरस्कार नहीं था। कांगताई सिक की नजर उसकी कलाई को पकड़ने वाले हाथ से उसके मालिक तक गई और वीर का चेहरा अंत में था। वीर की आंखों से जानलेवा इरादे की तेज रोशनी निकल रही थी। कांगताई सिक ने गहरी भौहें सिकुड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कंभक्त एसोसिएशन के सबसे निचले लेवल के व्यक्ति? स्विश, कांगताई सिक की दूसरी मुट्ठी वीर के चेहरे की ओर उड़ी। हालांकि वीर ने बस अपना सिर झुका लिया और मुट्ठी को उड़ जाने दिया। क्या? कांगताई सिक ने जल्दी से अपना हाथ वीर की पकड़ से छुड़ाया। हम, वीर ने अपना अगला झटका दिखाया, जैसा कि एक उच्च रैंक वाले हंटर और उसकी शक्ति से उम्मीद थी। अब जब उसके दोनों हाथ मुक्त हो गए थे तो कांगताई सिक ने बिना आराम किए लगातार हमले शुरू कर दिए। हालांकि वीर भी उतनी ही गति से आगे बढ़े कि कांगताई सिक से पीछे न रह गए और उन्होंने भी आक्रामक रुख अपनाया। पाओ पाओ पाबा बाबाहत, दो व्यक्तियों के मुंह के और हाथ लगातार टकराते रहे और एक दूसरे पर अनगिनत वार हुए। उनमें से किसी ने भी पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए सोंगची योल ने रूही को तुरंत उस क्षेत्र से दूर खींच लिया। आहा जुसी, रूही अपनी बात पूरी नहीं कर सकी क्योंकि जो कुछ उस समय हो रहा था उसे देखकर वह सदमे में थी। हालांकि यहाँ एक व्यक्ति ऐसा था जो रूही से भी अधिक हैरान था और वह कोई और नहीं बल्कि सोंगची योल था। आखिर यह कैसे संभव है? ये भयंकर युद्ध इतनी तेजी से हो रहा था कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। उसे अपनी आंखों से ये सब देखने में कठिनाई हो रही थी। एक उच्च श्रेणी के शिकारी से ऐसी ही उम्मीद की जाती थी, इसलिए ये ठीक था। लेकिन फिर उस आदमी से लड़ने वाला मिस्टर वीर सोंगची योल की यादों में से वही व्यक्ति नहीं हो सकता था। युवा निश्चित रूप से रैंक बी शिकारी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हार रहा था। मैं सी रैंक का हूं और मैं भी अपनी आंखों से उसकी हरकतों का पता नहीं लगा सकता। वास्तव में उनकी आंतरिक भावना सही साबित हुई। अभी उसकी आंखों के सामने जो वीर था वह उसकी यादों में दिखाई देने वाला वही युवा नहीं था, बल्कि एक ही रैंक वाला व्यक्ति था जो कमजोर तो था लेकिन उसके पास एक अच्छा दिमाग था। पलक झपकते ही दोनों ने एक दूसरे पर सैकड़ों वार किए और सांस लेने की कोशिश करते हुए तेजी से पीछे हट गए। वीर ने कांगताई सिक को घूर कर देखा और भौहें सिकोड़ ली। आपके कपड़ों पर जो खून है, मुझे लगता है कि यह आपका नहीं है। कांगताई सिक ने अपनी कलाई ढीली की और जवाब दिया। ये सही है, यह उन कमीनों का है। इन सब के अलावा मुझे कभी नहीं लगा कि इस घटिया जगह पर तुम्हारी तरह का हंटर मिल जाएगा। ईमानदारी से कहूं तो कांगताई सिक वास्तव में बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने किसी उच्च पदस्थ हंटर के बारे में कोई जानकारी नहीं सुनी थी जो एसोसिएशन के लिए काम करने वाले निचले लेवल के लोगों के साथ घूम रहा हो। इससे मुझे बहुत नुकसान होगा। उन्होंने सोचा कि आज कार्य करने का सबसे अच्छा समय है, इसलिए उन्होंने अपना कार्य किया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से यहां उन्हें एक बहुत बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा। कांगताई सिक अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर सके और ऊंची आवाज में पूछा, तुम कौन हो, तुम किस पद पर हो? वीर ने कसाका की विशैली नुकीली तलवार को बुलाया और उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ते हुए बहुत ही रूखे ढंग से उत्तर दिया, सियोंग वीर, मैं ई रैंक का हंटर हूँ। कांगताई सिक को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर के पीछे मारा हो। एक कमीना जिसने अपनी गति के बराबर चाल दिखाई, जो रैंक बी में बेजोड़ थी, उसने अभी अभी खुद को एक तुच्छ रैंकी के रूप में पेश किया। क्या वह मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है? कांगताई सिक ने अपने दांत पीस लिए। कोई इंतजार नहीं, सचमुच यहाँ कुछ अजीब बात थी। अगर वह सचमुच एक उच्च पदस्थ हंटर है तो उसके यहाँ होने का कोई कारण नहीं है, है ना? इन निचले लेवल के एसोसिएशन हंटर्स ने जो काम किया वह बिल्कुल स्पष्ट था। उनकी मुख्य भूमिका उन गेट्स को साफ करना था जिन्हें गिल्ड और फ्रीलांसरों ने उनके कम मौद्रिक मूल्यों के कारण छोड़ दिया था। उनकी कमाई दूसरे शिकारियों की तुलना में बहुत कम थी और उन्हें दूसरे शिकारियों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार भी नहीं किया गया था। दूसरे शब्दों में इस बात की बहुत अच्छी संभावना थी कि यह कमीना वास्तव में ई रैंक था। केवल इतना ही कि उसकी योग्यताएं कुछ और ही थीं। फिर भी एक फर्जी पंजीयक इस तरह से एसोसिएशन के तहत बेशर्मी से काम नहीं करेगा, इसलिए कांगताई सिक अंततः एकमात्र तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचे। वह पुनः जागृत है। जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्हें याद आया कि एसोसिएशन के उच्च अधिकारियों में इस अफवाह के कारण थोड़ा शोर मच गया था कि इस स्थान के आसपास कहीं कोई व्यक्ति पुनः जागृति से गुजर रहा है, और वह व्यक्ति कथित तौर पर एसोसिएशन से संबद्ध एक हंटर था। उसे उस समय ये नाम याद कर लेना चाहिए था।
चूंकि यह मामला केवल कुछ सप्ताह पहले ही हुआ था, यदि यह कमीना किसी कारणवश अब तक पुनः नियुक्ति परीक्षा में देरी कर रहा था तो उसके लिए इरैंक के रूप में बने रहना तथा एसोसिएशन के काम में सहायता करना बहुत संभव था। कौन सोच सकता था कि आज ऐसा आदमी सामने आएगा। कांगतायसिक ने आज की छापेमारी में भाग लेने वाले शिकारियों की पूरी पृष्ठभूमि की जाँच की थी, लेकिन वह इस छापे के अस्तित्व से चूक गए थे। मैं सचमुच बहुत बुरी किस्मत वाला हूँ, है न? वह केवल इसी निष्कर्ष पर पहुँच सका। अगर चीजें इस तरह से होती तो मुझे और अधिक पैसे मांगने चाहिए थे। कांगतायसिक ने अपने सूखे होठों को चाटते हुए कुछ दिन पहले की घटनाओं को याद किया। कुछ दिन पहले एसोसिएशन के मुख्यालय के पास एक कैफे, कांगतायसिक ने उस समय पूछा जब वह अपनी सीट पर बैठा था। तुम्हें मुझसे क्या काम है? उसके सामने बैठा अधेड़ उम्र का आदमी किसी कारण से काफी थका हुआ लग रहा था। उसने कहा था कि वह किसी कंपनी का मालिक है न? कांगतायसिक निश्चित रूप से नहीं जानते थे कि यह आदमी कौन था। हालांकि उन्होंने फिर भी कुछ समय के लिए खाली रहने का फैसला किया, क्योंकि यह आदमी उन्हें लगातार फोन कर रहा था और काफी हताश लग रहा था। अधेड़ उम्र का आदमी ऐसे बुदबुदाया जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। मैंने सुना है कि कोई नहीं जानता कि काल कोठरी के अंदर वास्तव में क्या होता है। उस आदमी की आवाज इतनी धीमी थी कि कांगतायसिक को दोबारा पूछना पड़ा। क्या कहा आपने? ये हर एक पैसा है जो मेरे नाम पर है। उस आदमी ने अचानक अपना बैंक खाता बही पेश किया। कांगतायसिक ने पुस्तक और उस आदमी के चेहरे के बीच अपनी नजरें घुमाई, फिर पुस्तक के पन्नों पर छपे बैंक बैलेंस की पुष्टि की। वहां 2 अरब वॉन की पर्याप्त मात्रा मुद्रित थी। और तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? जब कांगतायसिक ने प्रश्नवाचक मुद्रा बनाई तो अधेड़ व्यक्ति का सिर नीचे झुक गया। आप जिन अपराधियों के प्रभारी हैं उनमें से एक ने मेरी छोटी लड़की को चोट पहुंचाई थी, इस वजह से उसने अपनी जान ले ली और मेरी पत्नी अभी भी सदमे से अस्पताल में है। अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज रुआंसी हो गई। फिर भी ऐसे बदमाश कुछ सालों में फिर से सड़कों पर घूम सकेंगे। तुम्हें लगता है कि यह जानकर मैं चैन से रह सकूंगा? आदमी ने अपना दुख और क्रोध से भरा चेहरा उठाया। मुझे यकीन है कि आप पहले से ही समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आदमी ने फिर अपना सिर नीचे कर लिया। मैं आपसे विनती करता हूँ, हंटर निम। इन दोनों व्यक्तियों के बीच एक गगनभेदी सन्नाटा छा गया। कांगतायसिक अपनी कुर्सी की पीठ पर झुक गए और गहन चिंतन में डूब गए। काफी देर बीत जाने के बाद ही उसने अपना मुंह दोबारा खोला। क्या आप बता सकते हैं कि मैंने एसोसिएशन के मॉनिटरिंग डिवीजन में काम करना क्यों चुना? मुझे क्षमा करें, अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर उठाया। कांगतायसिक ने खुद को समझाया। बी रैंक हंटर के रूप में मुझे उच्च रैंक वाले हंटर्स में से एक माना जाता है। बड़े गिल्ड हर समय मेरे पास स्काउटिंग ऑफर भेजते रहते हैं। फिर भी क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं इस काम को क्यों जारी रखता हूं, जबकि बदले में मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं? मैं नहीं जानता। कांगतायसिक के होठों के कोने ऊपर उठ गए। देखिए, मुझे राक्षसों से लड़ने की बजाय इंसानों से लड़ना ज्यादा अच्छा लगता है। इस अर्थ में निगरानी प्रभाग कांगतायसिक के लिए स्वर्ग से भेजी गई नौकरी की तरह था। खैर, वह कानून के नाम पर अन्य शिकारियों को पीट सकता था और अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण वह एक या दो को मार भी सकता था। अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण? कांगतायसिक मन ही मन मुस्कुराए और बोले, तुमने मुझे जिस कीड़े के बारे में बताया था उस पर कदम रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। हालांकि कीड़े के अलावा कालकोठरी के अंदर दूसरे शिकारी भी होंगे। मैं उस कमीने को एक कीट के रूप में देख सकता हूं, लेकिन क्या दूसरे शिकारी भी ऐसा ही सोचेंगे? मुझे आश्चर्य है। कांगतायसिक के निराशावादी शब्द सुनकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। और अब वह सोच रहा था कि आखिरकार उसे अपनी छोटी बच्ची की मौत का बदला मिल जाएगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आसमान उस पर टूट पड़ा हो। हालांकि कांगतायसिक ने एक भयावह मुस्कान बनाई, मानो वह दूसरे व्यक्ति का मजाक उड़ा रहा हो। ये पैसा और उसके ऊपर 1 बिलियन वॉन अन्य शिकारियों से निपटने के लिए भी। क्या तुम ये कर सकते हो? हालांकि अगर कोई पुनः जागृत शिकारी उन अन्य शिकारियों में से एक था तो 3 बिलियन वॉन की राशि काफी नहीं थी। खैर, आखिरकार उसकी अपनी जान भी दांव पर लगी थी। स्वघोषित रैंकी हंटर अभी भी एक तेज चौकस हवा छोड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी मामूली मौके को जबत कर लेगा। कांगतायसिक ने अपनी लार निगल ली। मैं उसे हल्के में नहीं ले सकता। कांगतायसिक को यहाँ जीत का पूरा भरोसा था। जागृति प्रक्रिया से गुजरने से पहले भी उन्होंने एक भी आमने सामने की लड़ाई नहीं हारी थी। हालांकि भले ही वह जीत जाए, लेकिन ये जीत बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। अभी तो उसे अपनी योजनाओं में थोड़ा संशोधन करना था। बहुत अच्छे समय पर रैंकी हंटर्स ने एक प्रश्न पूछा। उन दोषियों को तुमने उन्हें क्यों मारा? एक लड़की का पिता जिसका बलात्कार उन दरिंदों ने किया था मुझसे मदद मांगने आया था। वे दरिंदे ऐसे जानवर थे जिन्हें मार दिया जाना चाहिए था, और मैं सिर्फ उन जानवरों की देखभाल करता था जो दूसरों को चोट पहुंचाते थे, बस इतना ही। रैंकी हंटर बिना कुछ कहे सुन रहा था।
ऐसा लग रहा था कि यहाँ बात करना कारगर हो सकता है। कांग ताई सिक सीधे दूसरे आदमी को मनाने में लग गया। हालांकि मामला यहीं तक आ गया था, लेकिन मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। आज के मामले को पूरी तरह से नजरअंदाज क्यों न कर दिया जाए? जब तक हम यहाँ ये सौदा करते हैं, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारे समूह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। बेशक वह किसी संभावित समस्या को बढ़ने नहीं दे सकते थे, यही कारण था कि कांग ताई सिक सोच रहा था। एक मौका था कि आमने सामने की लड़ाई में वह बुरी तरह घायल हो जाए, इसलिए वह पहले यहाँ से निकल जाएगा, सही समय का इंतजार करेगा और एक एक करके सभी गवाहों को खत्म कर देगा। हालांकि रैंक ई हंटर ने उपहास पूर्वक कहा, तुम्हें ये बातें अपनी छोटी छोटी तरकीबें आजमाने से पहले कह देनी चाहिए थीं। तुम चाहते हो कि हम सब कुछ अनदेखा कर दें, सिर्फ इसलिए कि तुम अपने गुप्त हमले में विफल हो गए। उस आदमी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। कांग ताई से अचंभित होकर मुस्कुराया। अंत में आप कोशिश करना चाहते हैं, बस इतना ही? खैर उस स्थिति में तो उसे पूरी ताकत लगानी होगी। कांग ताई सिक की आंखों में चमकती रोशनी ठंडी हो गई। उसकी तीखी चमक जल्दी ही रैंक ई हंटर के ऊपर से नीचे तक फैल गई और उसका माथा एक सेकंड के लिए सिकुड़ गया। उसे खंजर कहां से मिला? इससे पहले कि वह ये जान पाता, ई रैंक हंटर एक खंजर पकड़े हुए था। खैर ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हथियार कहाँ से आया था। हालांकि यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हथियार किस तरह का था। कांग ताई सिक ने शीघ्र ही अपना मूल्यांकन समाप्त कर लिया। वह वर्ग जो खंजर का प्रयोग करता था और तीव्र गति से चलता था, उसका प्रतिद्वंद्वी अति निकट प्रकार का क्षति पहुंचाने वाला था। सबसे अधिक संभावना यह है कि उनकी विशेषज्ञता हत्या थी। कैसा संयोग है कि उनकी विशेषताएं एक ही थीं। हालांकि इस व्यक्ति ने अभी कुछ समय पहले ही अपनी पुनः जागृति प्राप्त की है। अनुभव में अंतर बहुत बड़ा होना चाहिए। हो सकता है कि वह अपने पास उपलब्ध कौशल का ठीक से उपयोग भी न कर पाए। मैं तुम्हें एक दो बातें सिखाऊंगा एक वरिष्ठ के नाते। कांग ताई सिक ने अपने कमर से चाकू निकाला और रैंक ई हंटर पर व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं? और फिर कांग ताई सिक ने अपना चुपके कौशल सक्रिय कर दिया और इस तरह वह उस स्थान से गायब हो गया। इससे रैंक ई हंटर घबरा गया और उसने जल्दी से अपने आसपास देखा। कांग ताई सिक उसकी नग्न घबराहट और उलझन को बिल्कुल साफ देख सकता था। लेकिन ये तो स्पष्ट है, स्टेल्थ कौशल से न केवल व्यक्ति का शरीर पारदर्शी हो जाता है, शरीर, ध्वनि और यहाँ तक कि गंध भी। वह कौशल जो उसे सक्रिय करने वाले व्यक्ति के बारे में सब कुछ छुपा देता है। संक्षेप में यही चुपके कौशल था। पूरे विश्व में केवल मुट्ठी भर हत्यारे प्रकार के शिकारी ही थे जो इस कौशल का उपयोग कर सकते थे। किसी के रैंक से पूरी तरह से असंबंधित, आपको बस उन भाग्यशाली लोगों में से एक होना चाहिए जिन्होंने जागृति प्रक्रिया से गुजरते समय इस कौशल को अनलॉक किया हो। चलो इसे एक ही वार में खत्म कर दें। कांग ताई सिक तेजी से ई रैंक हंटर के पीछे की ओर बढ़ा। उसकी पीठ खुली हुई थी, बिना किसी सुरक्षा के। यह अंत है। वह एक भयंकर लड़ाई में शामिल होने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन अंत में यह एक आसान लड़ाई साबित हुई। अगर प्रतिद्वंद्वी चुपके कौशल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहा था, तो यह इतना आसान नहीं होगा। जैसी की उम्मीद थी, अनुभव के अंतर ने आज विजेता का फैसला किया। मरना, कांग ताई सिक के चाकू ने ई रैंक हंटर की पसलियों के ठीक नीचे वाले स्थान पर निशाना साधा और शक्तिशाली ढंग से आगे की ओर वार किया। तथापि झनकार, दो खंजर हवा में टकराए और चिंगारियां निकली। उसकी गुप्तचर क्षमता निष्क्रिय होने के कारण अब कांग ताई सिक की खुली हुई आंखें देखी जा सकती थीं। क्या, लेकिन कैसे? ई रैंक हंटर के खंजर ने उसके अपने खंजर को सटीक रूप से रोक दिया था। अपने आश्चर्य को छुपाने में असमर्थ, कांग ताई सिक ने अपनी आंखें उठाई और ई रैंक हंटर के चेहरे की ओर देखा। और हंटर ने पूरी तरह से उदासीन चेहरे के साथ अपना मुंह खोला। ओह, तो अब आपने पॉप अप करने का फैसला किया है? क्या क्या कहा तुमने? इस रैंक ई हंटर के शब्दों को समझने में असमर्थ, कांग ताई सिक को अचानक अपने दिल में यह हकतनीय डर महसूस हुआ। नोटिफिकेशन पैनल, आपातकालीन खोज, सभी दुश्मनों को मार डालो। खिलाड़ी के प्रति जानलेवा इरादे रखने वाले जीव हैं, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन सभी को मार डालो। यदि आप इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं, तो आपको इसके अनुरूप दंड दिया जाएगा। मारने के लिए शेष बचे शत्रुओं की संख्या 1, मारे गए दुश्मनों की संख्या 0। वीर ने आपातकालीन खोज संदेश की पुष्टि की और राहत की सांस ली। ये समय की बर्बादी नहीं थी। वह थोड़ा चिंतित था कि अगर कांग ताई सिक ने पहल नहीं की, तो वीर को आपातकालीन खोज अधिसूचना नहीं मिलेगी। ये हवान डोंग सोक और उसके गिरोह के साथ उस समय की तुलना में काफी अलग था, इसीलिए उन्होंने इस प्रणाली का परीक्षण किया और परिणाम उनकी अपेक्षा के अनुरूप ही निकला। जैसे ही कांग ताई सिक ने अपनी हत्या की मंशा जाहिर की, संदेश सामने आ गया। वह अब तक उस आदमी के साथ बिना सोचे समझे बातचीत नहीं कर रहा था, या अपनी घबराहट प्रकट नहीं कर रहा था, या बिना किसी कारण के अवसर नहीं दिखा रहा था।
हालांकि मुझे सचमुच नहीं पता था कि वह स्टेल्थ का इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल जब कांता इसिक उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया तो वीर थोड़ा हैरान रह गया। खैर, चुपके से काम लेना एक बहुत ही दुर्लभ कौशल था, लेकिन जब उसने थोड़ा और ध्यान लगाया तो उसने कांता इसिक की हर हरकत को आसानी से और सटीक तरीके से महसूस कर लिया, इतना कि वह अपनी आंखें बंद करके भी बिना किसी परेशानी के अपना लक्ष्य ढूंढ सकता था। यह उनकी उन्नत अनुभूति क्षमता का प्रभाव था। उन्होंने इस स्टेट पर निवेश करना जारी रखा ताकि वे ये बता सकें कि उन्हें लड़ना चाहिए या भागना चाहिए, लेकिन आज उन्होंने इसके एक नए उपयोग के बारे में जाना। मैं भाग्यशाली हो गया। इसके कारण कांता इसिक को ऐसा झटका लगा मानो उसने अपने पूर्वजों के भूत देख लिए हों। आखिर कैसे? और अब जब वीर इस हत्यारे कमीने का ख्याल रखेगा तो वह खोज के स्वादिष्ट पुरस्कारों का आनंद लेने में सक्षम होगा। अगर मैं वैसे भी लड़ने जा रहा हूँ तो मुझे वह सब कुछ मिल जाना चाहिए जो मुझे मिलना चाहिए, है ना? अब उसकी बारी थी। अब से वह सचमुच आक्रमण करना शुरू कर देगा। घातक आलिंगन में बंधे दोनों खंजर एक दूसरे पर वार करते रहे। ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी ताकत लगभग एक समान थी। यहीं पर वीर की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी। ऐसी स्थिति में क्या मुझे कहीं और नौकरी ढूंढनी चाहिए? वीर का पैर एक क्षण में हिल गया और वह कांता इसिक के पैर पर रौंद गया।